हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वन बाउल व्हीट फ्लोर स्वीट रेसिपी फ्रेंड्स, और जिसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम सामग्री के साथ बनकर तैयार होगी। और आप इसे जब चाहें जितना चाहें लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी से बनेगी फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस स्वीट्स रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम पर कढ़ाई को रख दिया और फ्लेम को मीडियम रखा है, और उसमें मैंने एक छोटा चम्मच भर कर देसी घी ऐड कर दिया है। और उसके अंदर फ्रेंड्स मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा था छाना हुआ एकदम साफ, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो हम चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आधी कटोरी सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक हो चाहे मोटी आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने एक चम्मच घी के अंदर डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी कि इसको भूनना है अच्छे से। और इसको हम जब तक भूनेंगे फ्रेंड, जब तक ये हल्की ब्राउन कलर का ना हो जाए, तो इसको हम इसे लगातार इसी तरीके से चलाते जाएंगे ताकि आटा जो है वो कढ़ाई में चिपके ना और जले ना। इसीलिए हम इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते जाएंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक इसी तरीके से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होगी ये एक कटोरी गेहूँ के आटे से बनने वाली स्वीट रेसिपी, और हम बनाएंगे बिल्कुल होममेड स्टाइल में, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी फालतू मेहनत के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आटा जो और सूजी भुन कर तैयार हो चुकी है, इसमें कलर अच्छा आ गया और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा कलर निकल कर आया है। और इस फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ली है फ्लेम पर फ्रेंड्स, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, पहले ज़्यादा नहीं ऐड करना, यानी कि खाली कढ़ाई में हम एकदम दूध नहीं डालते हैं, थोड़ा पानी ऐड करते हैं। फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक ग्लास दूध ऐड किया है, यानी कि मैंने यहाँ पे दो ग्लास दूध लिया है, नॉर्मल साइज़ के जो ग्लास होते हैं वो भरकर मैंने दूध लिया है। और यहाँ पे मेरे पास आधी कटोरी के करीब फ्रेश मलाई थी इसी दूध में से बची हुई, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि फुल क्रीम दूध था मेरे पास, वो मैंने दो ग्लास लिया है और उसके अंदर आधी कटोरी मलाई। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से उबालना है, यानी कि इसको हम इस अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक कि दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। इसीलिए हम इसको भी अच्छे से चलाते जाएंगे कंटिन्यू, ताकि इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और दूध से हमें बनाना है फ्रेंड्स मावा, तो क्योंकि जो घर का बना हुआ मावा होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। बाजार के में तो आर्टिफिशियल कलर वगैरह कुछ भी पड़ा होता है, लेकिन जो हम घर में शुद्ध दूध का बनाते हैं वो एकदम प्योर होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दो ग्लास दूध से ही बनाया जाए शुद्ध मावा। तो यहाँ पर देखिए दूध थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है, इसमें मलाई सी पड़ने लगी है, और आसपास की हम मलाई को भी इसी तरीके से इसमें मिक्स करते जाएंगे, छुटाते जाएंगे इसमें, ताकि चिपके ना, तभी हमारा जो मावा है अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी कटोरी चीनी, क्योंकि दो ग्लास दूध लिया है मैंने, तो सिर्फ आधी कटोरी में चीनी ऐड करूंगी, बाकी आप अपने हिसाब से मीठा जो खाते हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है, और इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे, यानी कि हमें अलग से चाशनी बनाने का भी झंझट नहीं है फ्रेंड्स, जो भी बनेगा इसी तरीके से बनाएंगे हम, बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से गाढ़ा करेंगे, कंटिन्यू चलाना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े, तभी जो मावा है वो अच्छा सा बनकर तैयार होगा। तो हम इसको आसपास का जो दूध चिपकता है वो भी छुटाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है, यानी कि थिक हो गया है अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर लेंगे ताकि जल्दी से हो जाए ये, और आसपास से इसी तरीके से छुटाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से बनेंगे हमारे ये स्वीट रेसिपी। तो मैंने थोड़ा फ्लेम को तेज कर लिया है ताकि ये जल्दी से हो जाए, और इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा ही रखेंगे, लिक्विड स्टाइल में रखेंगे, ज़्यादा सा इसको हमें थिक प्रोसेस में नहीं ले जाना, इसको हम इसी तरीके से चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनने जा रहा है हमारा शुद्ध मावा घर के बने दूध से। तो यहाँ पे देखिए ये ठीक हो चुका है खूब अच्छे से, और मैं इसको बिल्कुल भी ज़्यादा और सख्त नहीं करूँगी, सिर्फ इसको इसी तरीके से हम इसको छोड़ देंगे। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, आसपास से मैंने इस सारे मावे को अच्छे से छुटा लिया है कढ़ाई में से, और इसको हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको ठंडा होने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से जम गया है, एकदम सख्त हो गया है एकदम, और एकदम फाइन सा बना है
खोया जैसे हम बाहर से लाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। तो यहाँ पे मावा तैयार है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे एक कटोरी मेरे पास ये नारियल का चूरा था जो बाज़ार से मिल जाता है आसानी से, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके पास वैसे वाला जो नारियल होता है आप उसको भी कद्दूकस करके इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास थोड़ा सा ये नारियल का चूरा पड़ा हुआ था बाज़ार का, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और भी कुछ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो आप वो सब भी इसमें डाल सकते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इसको मैं हाथ से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चम्मच से थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये मटेरियल जो है बनकर तैयार हो गया, मावा और नारियल का। और इसके अंदर फ्रेंड्स अब हम मिक्स कर लेंगे जो हमने आटा भूनकर तैयार किया था, आटा और सूजी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आटा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मावे के साथ। तो फ्रेंड्स आप जो भी मेवा चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और मैं इसके अंदर फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश ऐड करूँगी बस, तो वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इसको किशमिश के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गया हमारा ये वन बॉल व्हीट फ्लोर स्वीट रेसिपी, जिसे बनाना आप देख रहे हैं कितना ईजी है। इसके हम बनाते जाएंगे गोल गोल लड्डू से। और यहाँ पे फ्रेंड्स तैयार हो गए हमारे ये स्वीट रेसिपी, जिसे मैंने बनाया फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी फालतू तामझाम के। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनकर, और फ्रेंड्स खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, चाहे मेहमान भी आ जाएँ तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं। तो बनकर तैयार हो गए हमारे ये वन बॉल व्हीट फ्लोर स्वीट रेसिपी फ्रेंड्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप देख ही रहे हैं, और घर के बने हुए शुद्ध मावे के हैं तो बात ही क्या है। तो फ्रेंड्स एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा अभी। तो आपको मैं आप पास से दिखा देती हूँ और एक अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे, अभी ये एकदम प्योर है इसलिए थोड़े सॉफ्ट है, जब इसको हम रख देंगे तो अंदर से सख्त हो जाएंगे। देखिए ये अंदर से कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं, एकदम दानेदार। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गए हमारे ये स्वीट रेसिपी जो सभी को पसंद आती है, यकीन मानिए, और घर के बने हुए सारे सामान से बनी है, ज़्यादा हमने बाहर से कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। और फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने मेहमानों और बच्चों को और सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस रेसिपी को, और फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए ये वन बॉल व्हीट फ्लोर स्वीट रेसिपी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।